नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमरिस्ट किंग। कंज्यूमरिस्ट किंग में आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा के अधिकार की। क्या किसी बच्चे को कोई स्कूल सिर्फ इसीलिए प्रताड़ित कर सकता है क्योंकि उसके माता पिता स्कूल की फीस भरने की हालत में नहीं है? ये सवाल उठा है क्योंकि मुंबई के एक प्राइवेट स्कूल के छात्रों के साथ ऐसा ही वाकया पेश आया है। मुंबई के कांदिवली इलाके के एक प्राइवेट स्कूल में 9वीं क्लास में पढ़ने वाली 14 साल की एक छात्रा के पिता ने स्कूल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अपनी शिकायत में स्कूल पर आरोप लगाया है कि कोरोना महामारी के दौरान स्कूल बंद रहा, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट उस वक्त की फीस भी जमा करने पर जोर दे रहा है। उन्होंने जब सारे अभिभावकों के साथ मिलकर जब बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की तो स्कूल मैनेजमेंट ने बच्चों को परेशान करना शुरू कर दिया है। 1 अप्रैल को जब ये छात्रा अपने साथियों को साथ नए सेशन की शुरुआत पर क्लास अटेंड करने पहुंची तो उसे और फीस ना जमा करने वाले कुछ दूसरे छात्रों के साथ क्लास की जगह स्कूल के लैब में बिठा दिया गया। छात्रों के पिता ने इस भेदभाव को लेकर स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ पुलिस में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत FIR दर्ज करवाई है। पुलिस जांच में जुट गई है। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने स्कूल के खिलाफ जांच के आदेश भी दे दिए हैं। इस वाकये ने शिक्षा के अधिकार के प्रभावी अमल को लेकर एक बार फिर से बहस खड़ी कर दी है और कंज्यूमरिस्ट किंग में आज हम यही मुद्दा उठा रहे हैं। स्कूलों के मनमाने रवैये की बात हम कर रहे हैं। महामारी के दौरान ऑफलाइन क्लास बंद रहने के बावजूद अनाप शनाप फीस वसूलने की बात कर रहे हैं और हमारी इस खास चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान भी यहां पर जुड़ रहे हैं। लेकिन जो हमारे मुख्य सवाल है वो आपको बता देते हैं। क्या ऑनलाइन पढ़ाई के लिए भी मनमानी फीस वसूल सकते हैं स्कूल? फीस ना जमा करने पर छात्रों को परेशान करना कितना सही है? क्या कहता है राइट टू एजुकेशन एक्ट? शिक्षा के अधिकार को लागू करने में इतनी लापरवाही आखिर क्यों? चलिए हमारे आज के पैनलिस्टों से भी आपका तारुफ करा देते हैं। दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट अपराजिता गौतम हमारे साथ है, DPS की प्रिंसिपल ज्योति गुप्ता और बॉम्बे हाई कोर्ट के वकील अटल बिहारी दुबे। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। दुबे जी, आप ही के पास आऊँगी सबसे पहले क्योंकि बहुत ज़रूरी है चर्चा की शुरुआत करना राइट टू एजुकेशन के साथ। मुझे बताएं क्या कहता है राइट टू एजुकेशन, जिसके जिसको लेकर हमें जागरूकता नहीं है और आज यही एक बात है जो सभी के लिए जानना बहुत जरूरी हो गया है। देखिए, सबसे पहले शिक्षा का अधिकार हमारे संविधान में इसको इंक्लूड किया गया है मौलिक अधिकार की श्रेणी में। इसके लिए आर्टिकल 21A इंक्लूड किया गया है। आर्टिकल 21A सभी को शिक्षा का अधिकार देता है और इसका जो भी वायलेशन करता है वो उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। तो इसके लिए भारत में रहने वाला हर व्यक्ति उसको शिक्षा का पूरा अधिकार है और कोई भी व्यक्ति इससे उसको वंचित नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है। अब क्या होता है, जो एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ये क्या करते हैं कि फीस के नाम पे आपको उनकी फीस की बहुत सारी कैटेगरीज होती है और उसकी फीस के नाम पे मनमानी वसूली करते हैं वो लोग। और उसकी कंप्लेंट करने पे प्रॉब्लम क्या होती है कि जो सरकारी मशीनरीज होती है वो इनकी मदद नहीं, पेरेंट्स की मदद नहीं कर पाती। आज के टाइम में जो पेरेंट है ये बेचारे अपना काम करें, बच्चों की पढ़ाई देखें या बच्चों को होने वाली पढ़ाई में प्रॉब्लम्स को लेकर के इन सरकारी महकमों के पीछे पीछे भाग दौड़ करें, इन सब चक्कर में वे बेचारे घिसड़ जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते। समस्या आती है कि महाराष्ट्र में आज के समय में जब से कोविड की स्थिति आई है, जो फीस की सिचुएशन है, सरकार ने उस समय में समझदारी दिखाते हुए एक GR लेके आई थी। 8 मई 2020 में एक GR आया था। उसमें सरकार ने एक ऐसा प्रावधान लाया था कि इंस्टीट्यूशन फीस बढ़ाएगा नहीं और उस GR को इन लोगों ने क्या किया, हाईकोर्ट में चैलेंज किया और हाईकोर्ट ने क्या बोला कि ठीक है, फाइनली डिसीजन लेने के बाद हाईकोर्ट ने बोला कि आपका जो GR है वो प्रोस्पेक्टिव नेचर में रहेगा, रिट्रोस्पेक्टिव नेचर में नहीं रहेगा। और ऐसी सिचुएशन में
हाई कोर्ट ने बोला फिर भी अगर कोई भी पेरेंट फीस नहीं भरता है तो आप पेरेंट्स को मनमानी तरीके से ना तो उनके बच्चे को एक्सपेल कर सकते हैं फीस की वजह से, एडुकेशन से उनको पढ़ाई उनकी रोक नहीं सकते हैं। इवन हाई कोर्ट में ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि हाई कोर्ट को बोलना पड़ा कि बाढ़ आ गई है पेरेंट्स के पिटिशंस की, लोग हाई कोर्ट में, मैंने खुद कम से कम 50 पेरेंट्स की पिटिशन फाइल की थी हाई कोर्ट में, जहां पे उनके बच्चों को एडुकेशन देने से मना कर दिया। तो कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे पेरेंट्स तो फिर क्या करेंगे? यहां पर ज्योति जी, सरासर मुंबई के कांदिवली के स्कूल में ये जो वाकया हुआ है, ये तो स्कूल की दादागिरी हम कहेंगे एक तरह से। देखिए, मैं दोनों पक्षों को रखना चाहूंगी। पहली बात तो स्कूल्स, जो इंडिपेंडेंट स्कूल्स हैं, जिनका सिर्फ फीस ही एक ऐसा जरिया है जिससे कि वो अपने टीचर्स को सैलरी दे सकते हैं और अपनी एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट को मीट कर सकते हैं, तो अगर पेरेंट्स फीस नहीं देंगे, लेकिन मनमानी तरीके से फीस चार्ज करना और उसके बाद बच्चों के साथ इस तरह से बिहेव करना, इस तरह का रवैया रखना, ये तो गलत है ना? मानती हूं ठीक नहीं है, पर बच्चे भी तो पेरेंट्स के हैं ना, तो पेरेंट्स को फीस देना तो जरूरी है, नहीं तो स्कूल्स कैसे चलेंगे? क्या आपको पता है कितने सारे स्कूल ओनर्स ने सुसाइड कर लिया? क्या आपको पता है कितने सारे स्कूल्स जो हैं वो बंद हो गए हैं इसी वजह से, क्योंकि फीस नहीं आ रही थी? तो हमें एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, या तो गवर्नमेंट एड दे, जैसे वो अपने गवर्नमेंट स्कूल्स को एड देती है, ऐसे वो प्राइवेट स्कूल्स को एड दे। जो टीचर्स प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं वो कहाँ जाएंगे? सिर्फ फीमेल टीचर्स तो नहीं आती ना, ब्रेडविनर्स भी आते हैं, मेल टीचर्स भी होते हैं, क्लास फोर एम्प्लॉयज भी होते हैं, ड्राइवर्स भी हैं, कंडक्टर्स भी हैं, कहाँ जाएंगे वो लोग? या जो क्लर्क्स हैं, दे हैव ऑल लॉस्ट देयर जॉब्स, तो वो कहाँ, वो क्या इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है? अगर हम सब लोग अपना अपना पार्ट नहीं प्ले करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग भी तो जॉब क्रिएटर्स हैं, स्कूल्स भी तो जॉब क्रिएटर्स हैं, इतने सारे यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट में लोग होते हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? तो हमें बैलेंस बना के चलना चाहिए, पेरेंट्स को सिर्फ एक ही पक्ष नहीं देखना चाहिए, उनको दूसरा पक्ष भी देखना चाहिए। यहाँ पर कहाँ जाएंगे, क्या कहाँ जाएंगे? ज्योति जी तो बोल रही है कि पेरेंट्स के ऊपर ठिकरा है इन स्कूलों को चलाने का, क्या कहेंगे आप? बोलना चाहता हूँ अगर आप जी। अपराजिता जी बोलिए जी। हाँ, देखिए दोनों पक्षों ने अपनी बात जो रखी है, जो वकील साहब ने जैसा कहा कि पेरेंट्स कहाँ जाएगा, ज्योति जी ने अपनी बात रखी, बट ज्योति जी ने जो एक, मैं अगर मैं मानूं ये बहुत नामी स्कूल को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनको छोड़ के अगर मैं छोटे स्कूल की बात करूं, उनकी कहानी ही थोड़ी अलग हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड नॉट डाइवर्ट द फोकस कि छोटे स्कूलों में उनको लॉस हो गया, वो कहाँ जाएंगे, उन्होंने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उनकी स्टोरी ऑल टुगेदर डिफरेंट है। ये वो स्कूल है जो मात्र 500 से लगानी चाहिए, यहाँ पर बच्चों के साथ उसी बात का रवैया करने का, बिहेव करने का तो कोई मतलब नहीं है ना, कोई मकसद नहीं है। नहीं, देखिए ये तो गलत है। यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, आज आप बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जहाँ स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल पे जो जेजे एक्ट लगा है, अगर आप दिल्ली पे भी, अगर मैं बता देती हूँ, दिल्ली के हाई कोर्ट का पिछले साल एक ऑर्डर आया, दिल्ली के 2000 जो रिकॉग्नाइज स्कूल है वो ऑर्डर मात्र 460 स्कूलों पे एप्लीकेबल है, बट 460 स्कूल क्या कर रहे हैं, जो हिसाब से एप्लीकेबल है उस हिसाब से नहीं मान रहे हैं, उसमें से जो भाग उनके फायदे का है वो मानते हुए आज दिल्ली में भी वो स्कूल जिनको परमिशन मिली है कुछ और है जिसमें पैसा लेने की, वो स्कूल भी बच्चों को, आप यहाँ पे लैब में, आप जो स्टोरी में दिखा रहे लैब में है, दिल्ली के नामी स्कूलों ने बच्चों को लाइब्रेरी में बंद कर दिया है, 70 से 80 बच्चों को लाइब्रेरी में बंद करके रखा, सेम स्टोरी है, बट दिल्ली में जेजे एक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बाल आयोग है वो स्कूल के पक्ष में काम कर रहा है। देखिए आप वही वाली बात है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप देखेंगे स्टोरी सेम है, आप कहीं पर भी चले जाइए अभिभावक हर जगह प्रताड़ित हो रहे। प्रॉब्लम क्या है, सरकारें चाहे कोई भी हो, जो सरकारी अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से स्कूलों के पक्ष में काम कर रहे हैं, चाहे बॉम्बे की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे किसी भी बात करें। दिक्कत ये है कि सब ये चाहते हैं कि पेरेंट्स अपनी डिमांड के लिए कोर्ट जाएं,
उनको पता है कि जैसे हमारे वकील साहब ने बोला कि पेरेंट अपना जॉब करेगा या रोज रोज कोर्ट के धक्के खाएगा और पेरेंट क्या जाएगा। प्रताड़ना की है, लापरवाही की है। हाल ही का एक किस्सा आपको बताते हैं, मुंबई के पोद्दार स्कूल का है, जहां पर बच्चे जो हैं स्कूल में बस पे बैठकर निकले हैं, घंटों तक बस गायब रही है और बाद में पता चला है कि जो ड्राइवर साहब थे उनका फोन स्विच ऑफ हो रखा है और तो और बस को एक जगह रोक कर रखा था क्योंकि कहां जाना है किसी को कुछ पता ही नहीं। और ये तब हुआ है जब पोद्दार स्कूल अपनी जगह की शिफ्टिंग कर रहा था, स्कूल एक जगह से एक सबब से शिफ्ट होकर दूसरे सबब में जा रहा था। इसके खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है। नामी गिरामी स्कूल इस तरह से पेरेंट्स को नोटिफाई करना कैसे भूल सकता है। जी दुबे साहब, आप अपनी उंगली उठा रहे थे, आपको कुछ कहना है शायद। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जैसे अभी मैडम ने बोला कि आज के टाइम में अगर सरकारी तंत्र को कंप्लेंट की जाती है तो वो एक्शन नहीं ले रहे। मेरे पास इसका एक जीवंत उदाहरण है। मुंबई के ही एक घाटकोपर के नामी स्कूल ने एक बच्चे को स्कूल से इसके लिए एक्सपेल कर दिया क्योंकि उसके पेरेंट ने स्कूल के मनमानी फीस मांगने के अगेंस्ट में आवाज उठाई थी और उस पेरेंट ने उसके अगेंस्ट में यहाँ की वर्षा गायकवाड़ जो कि एजुकेशन मिनिस्टर, उनको कंप्लेंट किया। वर्षा गायकवाड़ जी ने इमीडिएटली डिपार्टमेंट को एक्शन लेने के लिए बोला बट आज तक एक्शन नहीं हुआ। फिर इसके बाद में पेरेंट ने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की हुई है और पेरेंट यहाँ से वहां पिलर टू पोस्ट भाग रहा है बट आज तक न्याय नहीं मिला। मालूम है इसके लिए सिर्फ बेसिक कारण यह है, आज के टाइम में ऊपर कुर्सी पे बैठे लोग भी इंस्टीट्यूशन ओनर हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कौन आवाज उठाएगा? एक छोटा सा पेरेंट आवाज नहीं उठा सकता मैडम। और सबसे बड़ी बात, ये जो प्रिंसिपल मैडम बोल रही थी कि इनको स्कूल चलाना है, शायद वो भूल गई कि TMFI एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि स्कूल इंस्टीट्यूशन प्रॉफिटरिंग नहीं करेंगे, उनको अपनी फीस देनी है। आज के टाइम में पेरेंट्स फीस देने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारी जॉब छूट गई है, हमको कोविड की सिचुएशन में प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो अनवांटेड एक्सपेंसेस आप मत लो। आज के टाइम इलेक्ट्रिसिटी कौन यूज करता है, बट इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसेस वो डालते हैं उनकी फीस में, टर्म फीस होती है, टर्म फीस में वो कंप्यूटर की फीस ऐड करते हैं बट अलग से भी कंप्यूटर की फीस मांगते हैं। बहुत सारी इरेगुलरिटीज ये लोग कर रहे हैं लेकिन फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है, कहां जाएगा पेरेंट? बिल्कुल, महामारी के दौरान बसें चली नहीं है लेकिन फिर भी बस फीस यहाँ पर दी जा रही है और सब कुछ ऑल सेट एंड डन। यहाँ पर ज्योति जी, बच्चों को लैब में बंद करके अलग से एक तरह कर देना, ये किस तरह का रवैया है? अगर नहीं चली है तो बस की फीस किसी ने नहीं ली है, ये शायद गलत इन्फॉर्मेशन आपके पास है। गलत इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं है, पेरेंट्स की शिकायतें हैं, जो सर्विसेज उनको महामारी के दौरान उन्होंने नहीं अवेल की है, बच्चों ने सारी फीस दी है। यहाँ पर नहीं, किसी ने भी ट्रांसपोर्ट की फीस चार्ज नहीं करी है। क्योंकि वो एक तरह से बाकी स्कूलों को रिप्रेजेंट कर रही है। मैं आप ही को बता देती हूँ ज्योति जी, क्योंकि आप एक चैनल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या तो अपने फैक्ट्स क्लियर रखिए, आप एक बहुत प्रेस्टीजियस स्कूल की प्रिंसिपल है। दूसरा मैं बता देती हूँ ट्रांसपोर्ट फीस, अगर दिल्ली के एक स्कूल का एग्जाम्पल दूं, PP इंटरनेशनल स्कूल, वो कोविड के दौरान भी ट्रांसपोर्ट, यहाँ तक कि फूड का पैसा मांग रहा है। और दूसरी बात जो आपने अपने स्टेटमेंट में कही, सैलरी कहाँ से देंगे, मैडम आप लोग अपने ही खाते देखिए, क्योंकि खातों में करोड़ों के आप लोगों के पास सरप्लस अमाउंट है। जैसे TMFI का भी जो हमारे विक्रम, ये जो लॉयर सर बता रहे थे रेफरेंस, ऐसे बहुत सारी जजमेंट्स हैं जहां पर खातों में साफ साफ है कि प्रॉफिटेरिंग नहीं करेंगे। प्रॉब्लम ये है मैडम, आप जो ज्यादातर स्कूल है वो टीचर्स को सैलरी तक नहीं दे रहे हैं, आप किस वक्त की बात कर रहे हैं? आप लोगों ने कोविड के दौरान 20-30% सैलरी दी है, आप लोग कैसे कह सकते हैं मैं सैलरी दे रहा हूँ? दिक्कत ये है कि आप टीचर्स को ये धमकाते हैं कि हम आपको सैलरी नहीं देंगे, आपकी जॉब चली जाएगी। प्रॉब्लम ये है आप लोगों के साथ, आप किसी को बोलने नहीं देते हैं, टीचर्स की जॉब चली जाएगी। यही प्रॉब्लम है ना, देखिए इनका यही है, वो जो अपना जो इनका जो तरीका है स्कूलों में पेरेंट्स को नहीं बोलने देना और शो के दौरान भी पेरेंट्स को बोलने नहीं देना, मतलब पेरेंट्स की आवाज नहीं उठने देनी है किसी भी हालत में। हम तो फैक्ट्स के हिसाब से बात करें मैम, आपके दिल्ली के स्कूलों में DPS का भी केस चल रहा है जिन्होंने दुगनी तिगनी फीस कर दी है। अभी जो DPS, अगर मैं मथुरा रोड और आर के पुनम और द्वारका की बात करूं, आप ही का स्कूल तिगनी फीस करके बैठा है। क्यों करके बैठा है? आप अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप दे दीजिए जवाब, आप लोगों के खिलाफ पेरेंट्स क्यों एजिटेशन कर रहे हैं?
आए दिन आपके स्कूलों के सामने एजिटेशन हो रहा है। आप छोड़ दीजिए बाकियों को, मैं डीपीएस की बात करती हूँ। चलिए आपसे आप कह दीजिए एक एक करके आप इनके सभी सवालों के जवाब दीजिए। आप लोगों के पास टेस्ट नहीं होते हैं। ज्योति जी बोलिए, क्या आपका सवाल क्या है? यही सवाल, सारे सवाल जो आपको अपराजिता जी ने पूछे हैं उन्हीं के बारे में, क्योंकि देखिए यहाँ पर केवल एक ही स्कूल की बात नहीं हो रही है, एक ही राज्य के स्कूल की बात नहीं हो रही है, पूरे देश में जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों में मनमानी चल रही है उस पर बात हो रही है। दिल्ली की बात जी बताइए, वो दिल्ली की बात कर रही है। दिल्ली में डायरेक्टरेट ने और हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया था कि दिल्ली के जो स्कूल्स है वो सिर्फ जो है 15% छोड़ के बाकी सारे दोनों साल की फीस लेंगे। सब स्कूल्स ने 100% सब स्कूल्स ने वो माना है। कोई भी एक ऐसा स्कूल नहीं है जिसने ट्रांसपोर्ट की फीस ली है। तो मैं इस चीज को बिल्कुल मना करूंगी सीसीटीवी के चैनल से कि किसी भी अगर किसी स्कूल ने फीस ली है तो वो लोग डायरेक्टरेट को कंप्लेन करे, क्योंकि यहाँ पे हाईकोर्ट के ऑर्डर्स और डायरेक्टर जी इतना आपने कहा कि प्रताड़ना हो रही है, इतना परेशान किया जा रहा है स्कूलों की तरफ से, अपराजिता जी क्या शिकायत है, आगे नहीं ले जाएगी? मैं आपको बता देती हूँ, हम कभी भी हवा में बात नहीं करते हैं। मैडम ने एक बात बोली है, मतलब मैं हैरान हूँ, आज पहली बार ऐसे टॉपिक में डिबेट हो रही है जिसमें मुझे भी गरम होना पड़ा है। मुझे इस बात की हैरानी हो रही है, ज्योति जी के फैक्ट्स क्लियर नहीं है। ज्योति जी कह रही है सभी स्कूलों को दिया, यानी कि ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं है। ज्योति जी आपने फैक्ट्स क्लियर नहीं दिए, अभी डबल बेंच में केस चल रहा है। दूसरी बात, 460 आपको पता है? हाँ मैडम, आप स्कूल चलाती हैं, बहुत सारी बातें हमें भी पता है। एक सेकेंड, नहीं यहाँ पर दुबे जी से मुझे कनेक्ट करना होगा। जी दुबे जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बताएं किन किस तरह की शिकायतों के लिए आप केस लड़ रहे हैं? मेरे पास सबसे बड़ी शिकायत ये है कि बच्चे का फंडामेंटल राइट है, राइट टू एडुकेशन, बच्चे को उन्होंने एक्सपेल कर दिया क्योंकि पिता ने स्कूल की फीस लेने के तरीके पे आवाज उठाई। पहला केस ये है, बच्चे से अलग तरीके से फीस मांगी जा रही है जो कि वो जरूरी नहीं है। क्या होता है कि महाराष्ट्र में एक प्रोविजन है, पीटीए इसी बनता है कि पेरेंट और जो कमेटी बनती है वो डिसाइड करती है कि फीस कितनी लेनी चाहिए, कितनी नहीं लेनी चाहिए। बिना उसके डिसीजन के यहाँ पे फीस फिक्स हो जाती है। आज के टाइम में जो मैंने भी अभी जो गांधीवली वाला जो इश्यू हुआ है, जो पिटीशन फाइल हुई है, उस पिटीशन में 8 मई को उस कपोर जो स्कूल है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन लोगों ने फीस फिक्स की थी। जबकि फीस फिक्स करने का काम प्रोस्पेक्टिव तरीके से अगर होगा तो वो जीआर के अंदर नहीं हो सकता था, बट उन्होंने फीस फिक्स किया जिसकी आवाज यहाँ के पेरेंट्स ने उठाया और फीस देने से मना किया। बट उन्होंने अंडर ऑब्जेक्शन चेक्स दिए हुए हैं, मैंने उसके एक्नॉलेजमेंट कोर्ट के रिकॉर्ड में लगाया हुआ है कि मैं इतनी फीस जो हमको देनी चाहिए हम दे रहे हैं। उसके बाद भी स्कूल वालों ने बच्चों को जाकर के वहां पे लैब में बिठाया। आप बच्चों को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं दूसरे बच्चों के सामने। अगर ऐसे बच्चे जाकर के डिस्क्रिमिनेट होंगे तो उनके मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसी छोटी उम्र में ऐसी सिचुएशन अगर ये लोग क्रिएट करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि भारत के भविष्य अच्छी कैटेगरी में रह पाएंगे। तो मेरा ऐसा बोलना है कि स्कूल वालों को एटलीस्ट प्रॉफिटरिंग बंद करनी चाहिए, और कोविड में अगर वो तकलीफ में तो उनको ये सोचना चाहिए कि पेरेंट भी उसी तरीके से तकलीफ में है। ज्योति जी आपके स्कूल की बात हम करते हैं, ठीक है, अब इन पेरेंट्स की इतनी सारी मुश्किलों का आपने संज्ञान लिया होगा, आपने किस तरह से पूरा नियम और खाका तैयार किया है ताकि अभिभावकों को ज़्यादा परेशानी ना हो, बच्चों का भी यहाँ पर ख्याल रखा जाए, और अगर फीस नहीं दी जा रही है तो आपने किस तरह से इस पूरे मामले को हैंडल किया है अपने स्कूल के जरिए हमको बताएं, शायद अपराजिता जी यहाँ पर कन्विंस हो जाए और तमाम लोगों को जिनको नहीं पता है क्या क्या कदम आपने उठाए हैं उसके बारे में भी जानकारी मिले। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। दूसरी बात ये है कि हमारा जो स्कूल है बहुत नया स्कूल है, 2018 में हमने खोला है, हमारे पास कुल 400 बच्चे हैं
और अगर आप हमें देखेंगे तो हम लोगों ने जो स्कूल खड़ा किया है शायद अपनी सारी जिंदगी में जो भी कमाया था उसको लगा के स्कूल में लगाया है। तो हमारे पास तो 100 बच्चों की भी फीस नहीं आ रही थी और हम लोगों ने अपने पास से ले जा के टीचर्स को तनख्वाह दी है। तो आप मेरे स्कूल की तो बात ना करें यहाँ पे, तो वो ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें तो आप शायद बहुत ही हम पे ही दया करेंगे कि हम स्कूल चला कैसे रहे हैं, स्कूल के जो लोन्स हैं वो हम दे नहीं पाए हैं, बैंक ने कोई रियायत नहीं दी है, किसी ने गवर्नमेंट ने कोई रियायत नहीं दी है, जो बिजली के बिल थे वो हमको लगातार पे करने पड़े हैं क्योंकि स्टैंडर्ड जो मीटर चार्जेस हैं वो हमें किसी भी गवर्नमेंट ने कम नहीं करके दिए हैं। तो बिजली का भी बिल आ रहा था, पानी का भी बिल आ रहा था, सारे टैक्सेस भी हम लोगों को पे करने थे, सारी सैलरीज भी पे करनी थी, हम लोगों को सारा कंप्यूटर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगाना पड़ा था, सारा डिजिटल मतलब हम लोगों को सारा बैंडविड्थ भी खरीदना पड़ा था, ये सब करना पड़ा था। उसके बावजूद स्कूल को चलाया है और पेरेंट्स जिनको की प्रॉब्लम थी, जो अपनी फीस नहीं दे पाए थे, जिनको टाइम चाहिए था उनको टाइम दिया गया, और जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स थे, जो गवर्नमेंट के वेवर देने को बोले थे वो सारे वेवर्स दिए गए। आपको ये जानना होगा कि कोई भी स्कूल है अगर उसको स्कूल चलाना है तो वो जो स्कूल है वो किसी भी हाई कोर्ट की अवहेलना करके नहीं चला सकते, और वो साथ में अपना कोई भी एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो जीओ होता है उसको वो लोग इग्नोर करके अपना स्कूल नहीं चला सकते। स्कूल वालों को सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने होते हैं। कुछ स्कूल्स होते हैं जो माइनॉरिटी के स्कूल्स होते हैं, उन लोगों पे रेगुलेशंस जो है वो लागू नहीं होते, तो वो लोग अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से भी चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को प्राजिता जी आप फिंगर रेज कर रही है, बताएं आप कुछ कहना चाहती है, यही जो अपनी मनमानी नहीं कर सकते ना कोई भी स्कूल, किसी नियम के दायरे के अंदर तो इनको आना चाहिए। जी बोलिए बोलिए। ज्योति जी ने अपने स्कूल को सेव करते हुए अपना रोना रो दिया, उसको मैं साइड में कर देती हूँ, बट इन्होंने कुछ चीज बोली कि कोविड के दौरान हमें कंप्यूटर भी लेना पड़ा, ब्रांड भी। मैडम अगर आप लोगों को कंप्यूटर लेना पड़ा तो आपके बच्चों को जो पढ़ते थे उनके पेरेंट्स को भी मोबाइल या कंप्यूटर लेना पड़ा, इंडिविजुअल लेना पड़ा। रही बात आपके टीचर्स पढ़ा रही थी, तो इस लॉजिक को यहाँ पे मत लाइए, ये कम से कम रीजनिंग के हिसाब से बात। डिजिटल ट्रेनिंग के लिए भी फीस ली गई है, उनके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी फीस ली गई है। मैं आपको है ना नटशेल में मोटा मोटा बता देती हूँ, चाहे मैं कोई भी हाई कोर्ट की जजमेंट ले लूं, चाहे मैं TMFI ले लूं, चाहे मॉडर्न स्कूल ले लूं, चाहे कोविड के दौरान दिल्ली गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर निकाला डिपार्टमेंट से निकाला, चाहे मैं राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात कर लूं, चाहे मैं JJ एक्ट की बात कर लूं, कंप्लीटली वायलेशन हो रहा है, ओपनली वायलेशन हो रहा है इन चीजों का। किसी रूल के बारे में कोई बात नहीं मैम, हमें नहीं पता, आपकी नॉलेज मुझे ज्यादा पता चल चुकी है, बेटर कि अभी मेरे को बोलने दीजिए, जब आपका मौका आएगा आप बोलिएगा। अब लेट मी कंप्लीट, पता ही नहीं ज्योति जी आप रोक सकते हैं, आप अपने स्कूल के दायरे में किसी को बोलने का मौका नहीं देते हैं, प्लीज कोई बात नहीं, आप चला रहे हैं, हम आपका देख रहे हैं, हमें नहीं चलाना स्कूल, हमने देख लिया किस तरीके से कैसे एक से दो रुपए और 10 का 100 बनाते हैं, प्लीज आप कोई बात नहीं आप चुप रहिए मैम। देखिए जब हम फैक्ट्स बताने की कोशिश करते हैं आप लोग है ना यही रोकना शुरू करते हैं। प्रॉब्लम ये है ट्यूशन फीस के नाम से जो आप लोग पैसे मांगते हैं टीचर्स को 20-30% देते हैं। आज आप जब यहाँ पर इन्होंने आपसे पूछा आप अपने स्कूल का बताइए, आपने साइड में बहुत स्मार्टली अपने स्कूल को साइड में कर लिया, एक तरफ से आप स्कूलों के रिप्रेजेंटेटिव बन रहे हैं, तो मैडम आप चुप रही है ना, मुझे भी बोलने दीजिए। आपका जो रवैया है मैं फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपराजिता जी कंप्लीट कीजिए, मेरे पास कुछ ही समय बचा है। ज्योति जी आप चुप रहिए, आप बोलने दीजिए आप प्लीज। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट में यहाँ पे हमारे साथ तोयर रहना है, उन्होंने भी क्लियर बताया, वो भी फैक्ट्स लेके कोर्ट में गए हैं, दिल्ली में भी यही हो रहा है, अगर कंप्लेंट्स जाती है DCPCR वो स्कूलों को नोटिस भेजता है, शो कॉज नोटिस भेजता है, बाद में समन कर रहा है, और स्कूल XYZ रीजन देकर अपना वहां से निकलने की कोशिश करें। आज क्या हो रहा है, कोविड के दौरान हमेशा बच्चों को हरास किया गया है, आज क्या हो रहा है, पेमेंट
जिनकी नहीं हुई, अब बात आती है मैं सिर्फ एक चीज, कौन सी फीस, कोर्ट कहता है फीस लो, पर कौन सी फीस, इलीगल फीस लो, लीगल फीस की बात करता है कोर्ट हमेशा, और लीगल फीस वो है जो कोर्ट ने डिसाइड कर दी है कि आपकी अप्रूव्ड फीस स्ट्रक्चर है, उसका जो अप्रूव फीस स्ट्रक्चर है उसमें से आप 15% का रिबेट देके देंगे। बट दिल्ली में मैं फिर रिपीट कर रही हूं, सहायता पेरेंट्स के लिए यहां पर क्या होगी तमाम शिकायतों के लिए, बताएं जल्दी से। तमाम शिकायतों के लिए अभी प्रॉब्लम क्या है कि कोर्ट पूरी की पूरी तरीके से पेरेंट्स की हेल्प करने के लिए रेडी है, पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 15% की छूट मिलनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य इतना है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जीआर लेके आए कि 15% छूट देनी चाहिए, और पेरेंट्स ने 15% सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के हिसाब से छूट देने के लिए रिक्वेस्ट करना शुरू किया। उस जीआर को बॉम्बे हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ और उसको भी वहां पे इन लोगों ने मिसगाइड करके स्टे ले लिया है, और आज के टाइम में एक पैसे की भी छूट यहाँ पे पेरेंट्स को नहीं मिल रही है। तो मेरा सिर्फ यही सजेशन रहेगा, अगर कोई भी पेरेंट स्कूल में कोई भी इंस्टीट्यूशन उनको परेशान करता है तो सबसे पहले कंप्लेन करें, नहीं हो पाता है तो डायरेक्टली हाईकोर्ट को अप्रोच करें, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट का वायलेशन कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं कर सकता। अभी मैंने बोला भी था कि TMFI क्लियर कट बोलता है इंस्टीट्यूशन प्रॉफिटरिंग का काम कर नहीं सकता। जो मैडम बोल रही थी कि लोन नहीं पे किया, उन्होंने शायद इस चीज को उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सरकार ने भी आज के टाइम में यहाँ पर यही है कि स्कूलों की मनमानी दादागिरी कब रुकेगी, पेरेंट्स को कब राहत मिलेगी, स्कूलों के लिए जिस तरह से वो मनमानी तरीके से फीस लेते हैं क्या इसका कोई संज्ञान लेगा, क्या इसका कोई रास्ता निकाला जाएगा, ये सवाल अब भी खड़ा है और ये सवाल दिन पर दिन एक अहम सवाल बनता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस पेशकश में शामिल होने के लिए। कंज्यूमरिस्ट किंग के आज के एपिसोड में मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार।